बच के भैया बच के, मंदिर दिन भाई है यहाँ सब, यही सब बनारस को बदनाम करके रखे क्या करेंगे। हाँ इतना अच्छा अपना बनारस, यही सब सारे लोग बदनाम करके रखे। सो गाइस यार, मैं कब से सोच रहा था इस वीडियो को पोस्ट करूँगा ना, लेकिन मैंने फाइनल मन बना लिया है कि इस वीडियो को मैं पोस्ट करके रहूँ, क्योंकि ये जो चीज़ अभी हुई है, मैंने वीडियो में जो दिखाया है, ये गलत है। कहीं ऐसा कोई मंदिर में नहीं है कि आप वो इतना पैसा दो उतना पैसा, अपने श्रद्धा से जो देना दो। आज जो हुआ, हम लोग दर्शन करके निकले सब लोग, आंटी जी लोग, उसने पकड़ लिया, ये झड़ने लगा, मैं अचानक से पकड़ लिया, मैं बोल भी सब यहाँ नहीं, यहाँ चलो चलो कोई नहीं, ठीक है पकड़ लिया, मुझे पता है कितना रेट होता है, तुम एक बार झाड़ दो, ये पहना दो, छोटा सा 10 रुपये इसका एकदम सीधा सीधा रेट है। तीन आदमी मैंने 30 रुपये दे रहा था, उसने अंकल जो कैसे बुला के पहले ही कुछ बोल दिया झाड़ने उड़ने के बाद, तो मुझे समझ कि मुझे लगा सर 100-200 रुपये मांगा होगा अपने अपने टोन में, जो भी बटोटों की भाषा मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने 30 रुपये लिया, उसको दिया, तो लगा भैंसी भैंसा करने, उसको समझाया समझाया कि भाई यहीं है कहीं बनारस से गए, ठीक है भरे का नहीं, जब चपे हैं तो उसको थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो तब वो पैसा नहीं लगा, 10 रुपये दे दा, 30 मद्दा कहें तो देते हुआ, हमको चला ठीक है 50 पकड़ ले। ये बाद में मंदिर से बाहर निकला, अंकल पता कि 2000 रुपये मांग रहा था, हमको 2000 रुपये मांग रहा था, ये बड़ा बदतमीजी यार, किसी को तुमको 2000 रुपये दे। फिर ये सब गाइस मैं इसलिए वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ कि यार आप लोग जाने थोड़ा सावधान रहें, और ये सब जो जो बनारस को बदनाम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है भाई, ठीक है, तुम ही लोग के चक्कर में बनारस बदनाम हो रहा है, छोड़ो ज़्यादा सब ऐसी वैसा नहीं करना है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए सिंपल सा चीज़ है कि आपको यहाँ के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ अगर आते हो तो डायरेक्ट तब अब फ्लाइट से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, तो फ्लाइट से आओगे बाबतपुर उतरोगे, ट्रेन से आओगे तो यहाँ कैंट उतरोगे, लेकिन जब भी आओगे लोकल घूमोगे तो ऑटो रिक्शा को टोटो कुछ लोग तो उनसे आप पूछिए, आपको एकदम सही सही चीज़ बताएंगे कि कहाँ कितना रेट है, कहाँ की कितना क्या है, ठीक है। और वो सब भी तो लगे रहते हैं भाड़ा बढ़ाने में, तब जिसके थ्रू आओ उससे पूछ ले भाई, वो बता देगा, ठीक है गाइस। फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, कि लोगों तक ये पहुँचे, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, बाय, मिलते हैं। सोचा था भ्रमण नहीं होगा, लेकिन हो रहा है, आज पैदल ही खाली चला जा रहा है हम लोग, इस टाइम है काल भैरव आ गए हैं, सब लोग पीछे हैं, अब जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने, देखिए यहाँ भी हो पाता है कि नहीं, मुझे लगता है अभी भी पट बंद होगा, अभी 800-900 काल भैरव का पट बंद होता है मुझे लग रहा है, अभी तो कितना बज रहा है ब्रो टाइम आपका, साढ़े 8 हो रहा होगा या 8:15 हो रहा होगा, लोगों को 45 मिनट वेट करना पड़ेगा, 45 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 9 मंदिर का पट बंद होता है, आरती होती है, अब हम लोग आ गए, क्योंकि गए दशाश्वमेध घाट, सोचे थोड़ा जाएंगे आरती होती देखा जाएगा, टाइम ही चेंज हो गया, कोई नहीं गाइस, अब हम लोग काल भैरव जी का दर्शन किया जाएगा, बाबा का जहाँ लिखा होता वहीं दर्शन होगा ना, अब मेरे पीछे देखिए आंटी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो बड़ा जाम है, असली जाम तो यही गली में ही मिलता है। तो गाइस चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बहुत भव्य दर्शन हुआ, एकदम सही टाइम पे पहुँचे, एकदम आरती हो रही थी, एकदम मस्त, एकदम दर्शन, तो मंदिर में एकदम खाली है, बस रवि और मंगलवार को भीड़ होती है, लेकिन बाकी दिनों खाली मिलेगा। अब कैमरा तो अलाउ नहीं है, लेकिन लोग बाहर से दिखा दे रहे मंदिर, ये है बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मस्त बढ़िया से दर्शन हुए, लेकिन हाँ बच के अभी इन लोग तो एकदम, एक लोग को तो बढ़िया से इनको पकड़ लिया था, फर्क पड़ेगा, बस ये सबसे बच के रहिएगा, जो ऐसे झाड़ते फूकते हैं ना, 10 रुपये बस 10 रुपये, उससे ऊपर नहीं, पकड़ के 2000 रुपये मांग रहे हैं, कौन चीज का भाई 2000, हाँ 8-10 साल का लड़का, इनसे कान में बोला ना, ये सर है ना, इनसे कान में बोला भाई 2000 रुपये, हम कह रहे यार ले पकड़ 50 रुपये, 30 रुपये बोल 50 पकड़, बाहर ही समझ रहा था, 2000 रुपीज मांग रहा था से, हाँ अब खाली बस ये झाड़ फूक करने का, और हम कह भाई हम बनारसी है, ये तीनत नहीं हुआ है, नमू है हमारे बनारसी है, कहाँ से देख लिया आके, बताइए आजकल के लड़के सब, हमको तो लगा भाई ना तुम तोड़ो, मेरा मूड है सनक गया एकदम, क्या तू कर रहा है, गुस्सा हो रहा था, हम कह जाएंगे बाबू बच्चा है, सही बात है, तुम झाड़ दिए चलो, तुम 100 रुपये मांगते हो वो भी अधिकतर समझ में आता है, 2000 रुपये मांग रहे हो क्या समझ के, बच के भैया बच के, मंदिर दिन भाई है यहाँ सब, यही सब बनारस को बदनाम करके रखे क्या करेंगे, हाँ इतना अच्छा अपना बनारस, यही सब सारे लोग बदनाम करके रखे।